दिसंबर में चीन में कोरोना वायरस पाया गया था और उसके बाद चीन में हजारों लोगों की मौत हुई, उसके बाद इटली में, फ्रांस में, ईरान में, जापान में, इंग्लैंड में और दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस फैला और हजारों लोगों की मौत हुई। अगर उस समय भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी होती या जो लोग विदेश से आ रहे थे उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा होता तो भारत में ये महामारी का रूप धारण नहीं करता। प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। ये जनता कर्फ्यू ऐसे ही पहले जर्मनी में और कई देशों में लगाया गया, जो कार्रवाई भारत में शुरू हुई ये कार्रवाई 2 महीने पहले शुरू हो गई होती तो कोरोना से भारत में किसी भी मौत नहीं होती और न ये इतना बड़ा महामारी का रूप धारण करता। लखनऊ में इंग्लैंड से कनिका कपूर लखनऊ एयरपोर्ट आई और उनकी कहीं कोई जांच नहीं हुई, कहीं किसी आइसोलेशन वार्ड रखा नहीं गया और वो बाहर निकाल दी गई। बाहर आने के बाद उन्होंने 4 पार्टियों में शामिल हुई, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कह रही थी कि कोई सामूहिक समारोह में शामिल ना हो, कोई सामूहिक समारोह ना हो, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सामूहिक समारोह में शामिल हो। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत सिंह शामिल हुए, जो दुष्यंत सिंह उस समारोह के बाद पार्लियामेंट गए, सेंट्रल हार गए और प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गए। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं के में उपके इलाज के लिए उपाय करें, लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री उसी समारोह में शामिल थे जहां कोरोना के पेशेंट कनिका कपूर शामिल थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों को ही जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, हमको इस बात का कष्ट और दुख हुआ कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने जनता को मास्क उपलब्ध करने का भी काम नहीं किया। जब ये कोरोना महामारी का रूप धारण कर रहा है तो एक दिन थाली और ताली बजाने से ये कोरोना जाने वाला नहीं है। इसके लिए सारी जनता को प्रदेश सरकार निःशुल्क रूप से सैनिटाइजर और मास्क, प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम गरीब और मजदूर के खातों में 1000 रुपया देंगे, उनको फ्री राशन देंगे। जब राशन की दुकान ही नहीं खुलेगी तो उनको राशन कहां से मिलेगा, जब उनका बैंक में खाता ही नहीं खुल रहा है तो बैंक में पैसा कब आएगा और पैसा कैसे आएगा। वो जब भूख से
मर रहे हैं, उनके पास खाने का सामान नहीं है, इस समय उनको खाना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तो वो बैंक में खाता कहां से खोलेंगे? और सारे राशन की दुकानें बंद हैं, उन्हें राशन मिलने की कोई संभावना नहीं है, ये केवल जनता को गुमराह करने की बातें।